आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर यूनिटी अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर देहरादून मैराथन 2022 का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खुद सीएम धामी, डीजीपी अशोक कुमार ने भी दौड़ लगाई। मैराथन में 12 देशों के एथलीट समेत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय प्लेबैक सिंगर और संगीतकार कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुतियां दी। दरअसल उत्तराखंड को साल 2025 तक नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस द हंस फाउंडेशन की ओर से देहरादून मैराथन के चौथे संस्करण का आयोजन कराया जा रहा है। इस मैराथन में भाग लेने के लिए 12 देशों के 104 विदेशी एथलीट, भारत के 24 राज्यों के अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश के 13,540 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मैराथन कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर, हंस फाउंडेशन के संस्थापक मंगला माता, भोले महाराज, डीजीपी और ACS राधा रतूड़ी भी मौजूद रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति और देश की एकता अखंडता के लिए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मैराथन का मकसद राज्य को नशा मुक्त करना है और आने वाली पीढ़ी के नशे से बचाना है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हिंदुस्तान।